Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. आवारा छुट्टे गौवंशों की कोई व्यवस्था न होने के कारण इसका खामियाजा यूपी की जनता भुगत रही है। फसल बर्बाद करने की समस्या किसान लगातार उठाते हुए लोकसभा चुनाव में अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इस बीच यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खट्टी के घर के सामने एक सांड ने बुजुर्ग को उठाकर पटक दिया। बुजुर्ग के सिर में गंभीर चोट के साथ ही उनकी आंत भी पेट के बाहर निकल आ गई है। यह हादसा मेरठ के गंगानगर इलाके में हुआ है। बी ब्लॉक निवासी प्रमोद के पिता कृपाल सिंह टहलते हुए दुकान जा रहे थे। प्रमोद कुमार की अवंतिका नाम से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है। तभी आवारा पशु ने उन्हें उठाकर पटक दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना पाकर पहुंचे नगर निगम के स्टाफ ने सांड को पकड़कर गौशाला भेज दिया है। देखिए। उधर आज नगर निगम के अफसरों व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा से जुड़े तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। मंडलायुक्त ऑफिस अपने साथियों संग पहुंचे भाजपा युवा मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अंकित चौधरी ने मीडिया से यह कहा। नाम है आपका, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम अंकित चौधरी है, मैं पूर्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं, बीजेपी युवा मोर्चा। अपने तरफ से मंडलायुक्त मेरठ मंडल के पास आए थे और हमारी मांग थी, जो मेरठ में जो नगर निगम है भ्रष्टाचार का अड्डा बढ़ गया, जिनकी वजह से सरकार की बदनामी आम आदमियों में हो रही है। जिस तरह गोवंश का एक पूरा मुद्दा उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है और इन जैसे निकम्मे अधिकारियों की वजह से विपक्षों को पक्ष को घेरने का मौका मिल रहा है। कल एक बड़ा हादसा हुआ, एक सांड ने एक बुजुर्ग को टक्कर मारी, उनकी हालत मतलब बहुत नाजुक है। हमारी मांग है, जो बड़ा बजट आता है, लगातार बड़ा बजट पशुओं के ऊपर आता कहा जाता है। यहाँ गौशाला है, गौशाला की अगर हालत देखोगे, वहाँ या तो भूख से मर रही है गाय या फिर बीमारी से मर रही है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। लगातार अभियान, कितने अभियान चलाए जाते हैं। आप मीडिया के माध्यम से यदि कोई बात प्रकाशित हो जाती है तो अफसरों की नींद उड़ जाती है, खुल जाती है, केवल एक या दो दिन के अलावा। आज हमारी मांग है, क्योंकि मंडल का मंडल आयुक्त यहाँ बैठता है, कितनी बार मंडल आयुक्त जी ने अपनी तरफ से औचक निरीक्षण कराया है, किन किन लोगों पर कार्रवाई करी है। यदि कार्रवाई नहीं हुई, सारे मामलों को माननीय मुख्यमंत्री जी का अवगत कराया जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गायों की तरफ विशेष ध्यान है और पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी को अल्टीमेटम दे रखा, कहीं भी गोवंश भूखा न रहे, कहीं उनकी मौत ना हो। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण विषय है, मेरठ में एक सीवीओ भी बैठते हैं, चीफ वेटनरी ऑफिसर, उनका क्या काम है? केवल पैसे लेने, ये सरकार के पैसे खाने, केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। कभी आज तक किसी भी डॉक्टर की लिस्ट प्रकाशित किसी अखबार में हुई हो? कहीं उनकी टीमें जाते हो गोवंशों को देखने? तो आज इन्हीं सभी मांगों को लेकर, इन सबको हम इन सबके प्रश्नों के उत्तर पूछने आज मंडलायुक्त मेरठ मंडल के पास आए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।